चार राज्यों के चुनाव में एससी एसटी वोट को साधने के लिए कांग्रेस की आज बड़ी बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा तय करने का आदेश दिया है। केंद्र को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। एससी एसटी आरक्षण में कोटे के विरोध में है मायावती और चिराग पासवान। कांग्रेस को मिल सकता है अन्य दलों का समर्थन, लिहाजा इस मुद्दे को लपकना चाहती है कांग्रेस पार्टी। एससी एसटी आरक्षण पर रुख साफ कर चुकी है मोदी सरकार। क्रीमी लेयर का नहीं होगा प्रावधान, कांग्रेस ने उठाए सवाल। सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद में क्यों नहीं सुलझाया मुद्दा। किरण बग के नए खुलासे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, देश के अंदर और बाहर हैं कई विरोधी ताकतें, भारत को अस्थिर करने की साजिश। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर आरोप, देश में आर्थिक अराजकता लाने के लिए एंटी इंडिया हिंडनबर्ग फ्रंट से जुड़ी है कांग्रेस, बीजेपी करेगी कांग्रेस को एक्सपोज। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ, शेयर बाजार क्रैश कराने की साजिश में लगे हैं हिंडनबर्ग और कांग्रेस पार्टी के लोग, लेकिन मार्केट ने दिखाई समझदारी, नहीं हुई शेयरों में गिरावट। हिंडनबर्ग के खुलासे पर कांग्रेस की महासचिव सचिन पायलट ने सेबी जांच पर सवाल उठाए, जब सेबी चेयरपर्सन पर ही लग रहे हैं गंभीर आरोप तो फिर बाहर कैसे आएगी सच्चाई। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों में से 6 ही लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। उपचुनाव से पहले पार्टी ने नियुक्त किए हैं 6 प्रभारी। शिवपाल सिंह यादव को अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा दिया गया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने भी शुरू कर दी है तैयारी। सभी 10 सीटों के लिए पार्टी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। लोकसभा सांसदों को दी गई जिम्मेदारी, पुराने नेताओं पर भी जताया भरोसा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ऐलान संभव। तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। आला अधिकारियों और सियासी दलों के साथ समीक्षा बैठक की। जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया, आपकी रणनीति बनाने में जुटे। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी हुआ मंथन। मनीष सिसोदिया आज एमसीडी में पार्टी के पार्षदों के साथ करेंगे बैठक। जनता का मूड जानने के लिए 14 अगस्त से शुरू करेंगे पैदल मार्च। पार्टी नेताओं ने कहा चुनाव में बीजेपी को रोकना ही मकसद। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की ड्राफ्ट कॉपी को रोका। अब आम लोगों से सलाह मशवरा करेगी सरकार। 14 अक्टूबर तक लोग दे सकते हैं बिल पर अपनी राय। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की तैयार की जाएगी नई ड्राफ्ट कॉपी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने विरोध किया था। प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए थे। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बेरोजगारी पर दिया विवादित बयान, सभी वर्गों को दे सकते हैं नौकरी, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर बसे हैं उन्हें नहीं मिलेगी नौकरी। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए, दक्षिण अफ्रीका के फ्रॉड और भगौड़े गुप्ता बंधुओं से की थी मुलाकात, संजय राउत के घर ठहरने पर भी उठाई सवाल। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने संजय निरुपम पर पलटवार किया, आजकल सियासत छोड़कर जासूसी में लगे हैं निरुपम, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठे नैरेटिव सेट कर रहे हैं संजय निरुपम। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उद्धव ठाकरे गुट को दी फिर चेतावनी, अगर छेड़ेंगे तो घर में घुसकर मारेंगे। महाराष्ट्र यात्रा के दौरान राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव समर्थकों ने हमला किया था। एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने दी धमकी, राज ठाकरे जल्द निकालेंगे विदर्भ के दौरे पर और अगर इस दौरान किया गया कोई हमला तो बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे उद्धव गुट। अजित पवार ने किया बड़ा दावा, राज्यसभा में जल्द मिलेगा पार्टी को नया सांसद। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अजित गुट को मिल सकती है 1 सीट। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बोले शरद पवार, सीएम एकनाथ शिंदे से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग उठाई, मराठा आरक्षण पर सरकार के साथ सहयोग करने का ऐलान भी किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार गुट को लगा बड़ा झटका, माणिकराव सोनवलकर ने थामा बीजेपी का दामन, चंद्रशेखर बावन पुले ने दिलाई बीजेपी की सदस्यता। लेडी डॉक्टर से रेप मरे मामले में गुस्से में देशभर के डॉक्टर्स, आज भी देशभर में विरोध किया जाएगा, अस्पतालों के ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी, आज सीनियर डॉक्टर्स भी हड़ताल में शामिल होंगे। महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, सूत्रों के मुताबिक गला दबाकर हुई थी लेडी डॉक्टर की हत्या, महिला का मर्डर से पहले हुआ था रेप, आरोपी ने 2 बार गला दबाया।
महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर मुंबई में भी प्रोटेस्ट किया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाथों में काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला। मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की। कोलकाता की घटना के विरोध में भोपाल में भी प्रदर्शन हुआ। डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग। पटना में भी डॉक्टर्स का प्रदर्शन। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में निकाला गया कैंडल मार्च। विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवाएं बंद रखी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे रेजिडेंट डॉक्टर्स फेडरेशन के सदस्य। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा भी मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिए मामले की सीबीआई जांच करवाने के संकेत। अगर पुलिस रविवार तक मामले को सुलझा नहीं पाई तो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा केस। डॉक्टर रेप मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग। याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने दाखिल की है याचिका। एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी। अजित पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने पर आपत्ति। तीन तलाक को दंडनीय अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मैरिटल रेप से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पत्नी से जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग। मामले में केंद्र सरकार को जारी हुआ था नोटिस। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे दोनों शब्द। लैंडफुल जॉब मामले में से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस। ईडी की चार्जशीट पर आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। ईडी ने लालू प्रसाद तेजस्वी समेत अन्य 10 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट सबमिट। नीट यूजी पेपर टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है। याचिका में सीबीआई जांच तक परीक्षा ना होने की मांग है। 21 अगस्त को होना है पेपर। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। सीबीआई अरेस्ट को दी है चुनौती। जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से मांगा है जवाब। 20 अगस्त को होनी है अगली सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद किया जाएगा कोर्ट में पेश। के कविता दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में है आरोप। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल। ट्रायल के पहले दिन हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट में मुकदमे के से जुड़ी सूची सौंपी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव। नाबालिग लड़की से दरिंदगी के प्रयास के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। समाजवादी पार्टी ने किया नवाब सिंह से किनारा। समाजवादी पार्टी के कन्नौज जिलाध्यक्ष कलीम खान का बयान। कहा नवाब सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं। नवाब सिंह यादव की गिरफ्तारी पर एसपी प्रवक्ता मनोज यादव का बयान। नवाब सिंह का एसपी से कोई लेना देना नहीं। जांच होगी तो साफ हो जाएगा कि खेल क्या। भाजपा प्रमुख ओपी राजभर बोले योगी जी की सरकार में कानून का राज है। कोई भी गलती करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अब एसपी वाले क्यों नहीं कर रहे डीएनए टेस्ट की मांग। पंजाब के मोगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से बड़ी मात्रा में मिले हथियार। 6 पिस्टल 7 मैगजीन 41 कारतूस बरामद। 4 लोगों को किया गया गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्रांच का बड़ा खुलासा। फर्जी बिल लगाकर जीएसटी रिफंड लेने का मामला। जीएसटी रिफंड के नाम पर अब तक 54 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा। एसीबी ने किया खुलासा। फर्जी कंपनियों को दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते दिखाया गया। इनमें से 500 फर्म एग्जिस्ट नहीं करते। भारत विरोधी पोस्ट करने पर एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है। वकील की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नदीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। 2 दिन के रिमांड के बाद मिली बेल। कानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग। सोशल मीडिया पर दोस्ती करके बनाता था लोगों के अश्लील वीडियो। गैंग की महिलाओं के जरिए बनाई जाती थी वीडियो। बाद में करते थे ब्लैकमेल। कानपुर में पकड़े गए गिरोह ने किया खुलासा। गैंग की सरगना पति पत्नी है। अभी तक ना जाने कितने लोगों को चूना लगा चुके हैं। गिरोह में काम करती है कई लड़कियां।
मेरठ के एक स्कूल में बच्चे को मिड डे मील की जगह पर परोसा गया नॉनवेज खाना। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। शिकायत के बाद हेडमास्टर सस्पेंड, खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई जांच। टीवी न्यूज इंडस्ट्री में एबीपी नेटवर्क का फिर बजा डंका। सबसे सटीक खबरों को पहुंचाने वाले आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज के 3 युवा पत्रकारों को 40 अंडर 40 में मिला अवार्ड। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अवार्ड समारोह। रिपोर्टर जैनेन्द्र कुमार, एंकर अवधेश मिश्र और न्यूज प्रोड्यूसर रश्मि निषाद को अवार्ड से नवाजा। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट है। आतंकी घुसपैठ रोकने के लिए राजौरी से सटी सीमा पर 5 लॉन्च पैड सक्रिय हैं। घुसपैठ की फिराक में 40 आतंकी। जम्मू संभाग में आतंकी घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने रणनीति बनाई। आधुनिक हथियारों और आपसी समन्वय के साथ कर रहे आतंकियों का मुकाबला। दहशतगर्दों की अब खैर नहीं। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा। छावनी में तब्दील हुआ लाल किला। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी है। 7 लेयर का सुरक्षा घेरा होगा। लाल किले की निगरानी के लिए 500 सीसीटीवी लगाए गए। 9 एंटी ड्रोन रडार भी तैनात। सिर्फ लाल किले की सुरक्षा में ही 10,000 जवानों की तैनाती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बच्चे की मौत पर हंगामा हुआ। परिजनों ने अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही करने का आरोप। बच्चे के शव को सड़क पर रखकर लोगों ने किया बवाल। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हादसा। इटारसी रेलवे जंक्शन पर पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतरे। हादसे में कोई जनहानि नहीं। मुंबई के मानखुर्द इलाके में हादसा हुआ। स्क्रैप मार्केट में भीषण आग लगी। आग फैलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर काबू पा लिया गया। बिहार के भागलपुर में श्रद्धालुओं में मची भगदड़। एसएम कॉलेज घाट पर जल भरने के दौरान भगदड़ मची। स्नान के दौरान बहने से बचे 50 से ज्यादा श्रद्धालु। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ ने बचाई। पटना में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी शिक्षकों का प्रदर्शन। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी टीचर। बिहार के जहानाबाद में बहुत बड़ा हादसा हुआ। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान मची भगदड़। 8 श्रद्धालु की मौत। कई घायल हुए। पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप है। पीड़ित परिवार को 4-4 लाख मुआवजा। छपरा के शहीद दीपक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े लोग। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे दीपक। बेटे की शहादत पर गांव में मातम का माहौल। खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर पहुंची। पिछले साल जुलाई महीने में 7.44 थी खुदरा महंगाई दर। 5 साल बाद आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे आई। देश का औद्योगिक उत्पादन जून के महीने में 4.2% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून अवधि में औद्योगिक उत्पादन बढ़ोतरी 5.2% रही। माइनिंग और पावर सेक्टर्स का जलवा रहा। राजस्थान के करौली में बाढ़ से आम लोग बेहाल हैं। लगातार हो रही बरसात से कम नहीं हो रहा पानी। लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे सामाजिक संगठन के लोग। भोजन और खाने पीने की चीजें उनको दी जा रही। राजस्थान के दौसा में जलभराव की वजह से लोग बेहद परेशान। पानी के बीच से गुजरते समय खराब हो गई एम्बुलेंस। लोगों ने किसी तरह से एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हादसा हुआ। कुंडेश्वर में जमडार नदी पर बने कुंड में नहाते समय बच्चा डूबा। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। सावन के चौथे सोमवार पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एक हफ्ते के भीतर शुरू हो सकती है केदारनाथ पैदल यात्रा। यात्रा मार्ग पर मरम्मत का काम जारी है। काम में जुटे 270 मजदूर। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा मार्ग ध्वस्त हो गया था। बिहार के पश्चिमी चंपारण में नेपाल दर्शन के लिए गए 69 भारतीय श्रद्धालुओं की तमसा नदी में वो फंसे। एसएसबी और एपीएफ ने उनका रेस्क्यू किया। वाल्मीकि आश्रम ये जा रहे थे। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर आ जाएगा फैसला। विनेश ने डिस्क्वालीफाई करार दिए जाने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के सामने अपील की थी। विनेश ने लगातार 3 मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल से पहले 100 ग्राम वजन बढ़ने से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खेल पंचायत कर रहा विनेश के मामले की सुनवाई। खेल पंचायत दुनिया भर में खेलों के मामलों को सुलझाने के लिए बनी स्वतंत्र संस्था है। इसका काम खेल से जुड़े हुए सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना है।
विनेश फोगाट की अभी घर वापसी नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है। बाकी कुश्ती दल के साथ आज वापस नहीं आएंगी विनेश फोगाट, कुछ और समय के लिए यूरोप में ही रहेंगे। विनेश फोगाट के लिए इंसाफ की मांग तेज, चेन्नई में कांग्रेस खेल शाखा के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, बोले विनेश के साथ हुई है नाइंसाफी, दिल्ली में जो प्रदर्शन किया गया उसका बदला लिया गया है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत आज पहुंचेंगे दिल्ली, सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे, स्वागत के लिए तैयारियां की गई। अब विदेश की कुछ बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज। देश के मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, बांग्लादेश से सटे सीमा के हालात पर समीक्षा हुई है, सीमा पर जुटे सैकड़ों बांग्लादेशी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादती के खिलाफ वाराणसी में वकीलों ने प्रोटेस्ट किया, भारत सरकार से मांग की बांग्लादेश में घुसकर ठोस कार्रवाई करे सुरक्षा पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ असम के करीमगंज में सड़कों पर उतरे लोग, मंदिरों पर हो रहे हमलों की निंदा की, पीएम मोदी से और ठोस कार्रवाई करने की मांग उठाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कहा, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा करती हूं, उन्होंने कहा कि गंभीरता से मामले पर विचार करें, केंद्र सरकार समय पर फैसला न लेने से हो सकता है बड़ा नुकसान।